हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। बता दें, जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज विभिन्न गांवों में खटीमा से कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी और कुणाल चौधरी ने जनसंपर्क किया, जहां उन्होंने आम जनसभा कर भारी बहुमत से कांग्रेस का हाथ मजबूत करने और भुवन कापड़ी को जिताने के लिए जनता से अपील की। इस दौरान भुवन कापड़ी और चौधरी ने भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों पर जमकर करारा प्रहार किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान भारी जनसैलाब उमड़ कर कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी के पक्ष में आया। पूरा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि आज पिछले 5 साल में जनता का हर वर्ग त्रस्त है। महंगाई से पूरे जो हमारा आम आदमी है वो बहुत त्रस्त है। घर के हालात बड़े खराब हैं। 1500 की रसोई 6000 पहुंच गई, 10000 की कमाई 5000। किसी के घर में इतने भी पैसे नहीं है कि कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज किया जा सके। हमारा युवा बेरोजगार है, पढ़ लिख कर निकला हुआ है, पिछले 5 साल से बेरोजगार की मार झेल रहा है। जो हमारे इंटर पास के छात्र हैं उनको कहीं दाखिला डिग्री कॉलेज में नहीं मिल पा रहा है, इन्होंने सीटें कम कर दी हैं। किसान पहले से किसान बिल से परेशान था, प्राकृतिक मार से परेशान था, खाद बीज की महंगाई से परेशान था, साथ में ही जानवरों ने लगातार किसानों की फसल को नुकसान कर रखा है, व्यापारी GST से परेशान है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो परेशान नहीं है। जनता टूट कर सड़कों पर निकल रही है और बस 14 तारीख का इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जल्द से जल्द उखाड़ फेंके और एक अच्छा समय आए, उनकी रसोई उनके नियंत्रण में आए, उनके बच्चों को रोजगार मिले, उनके बच्चों को एडमिशन मिले, किसान गौ वंश से आज़ादी पाए, हमारे सब लोग खुशहाल हों, ऐसे इंतजार जो है जनता रखी कि 14 तारीख को कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाए। खटीमा से लेकर पूरा उत्तराखंड के अंदर पूरी तरीके से भुवन कापड़ी जी खटीमा में बेहतर वोटों से जीतेंगे। यहाँ पे BJP प्रत्याशी की जमानतें जब्त होगी, उत्तराखंड में सरकार बनेगी। एक गरीब के बेटे के साथ, एक गरीब परिवार के लड़के के साथ जनता खड़ी हुई है, क्योंकि जो कोरोना के अंदर लंगर का काम किया, जो गरीबों के छप्पर बनवाने का काम किया, 24 घंटे हर परिस्थितियों में जो खड़ा रहने का काम किया है, पूरा विश्वास है। और जो ऊर्जा दिखाई है लोगों ने, उससे पूरा विश्वास है कि पूरी ताकत के साथ यहाँ पे बेहतर बहुमत के साथ भुवन कापड़ी मुद्दे को देखिए। मूल मुद्दे जिस प्रकार से लूट सके तो लूट योजना चलिए, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, और जिस प्रकार से आम जनता की गाड़ी कमाई को लूट के सिर्फ लाला जी को देने का काम जो करने का काम कर रहे हैं, और किस प्रकार से सिर्फ अपने घर तक की स्ट्रीट लाइट है, ना तो गरीबों के यहाँ लाइटें हैं, ना नौजवानों को रोजगार है, ये बेरोजगारों की जगह इन्होंने बना दिया है, ये गरीबों का जो घर से दिवाला छीनने का काम किया। आम जनता जो उस गैस की टंकी को देख रही है, जो 400 रुपये में कांग्रेस की सरकार में मिलती थी, जिसे महंगाई बढ़ा बढ़ा के इन्होंने 1000 पहुंचा दिए, वो पेट्रोल की कीमतें, वो डीजल की कीमतें, बेरोजगार नौजवान और किसान की चिंता करने का काम इन्होंने किया है, उसके खिलाफ सभी लोग खड़े। जो खरीद फरोख्त की राजनीति करना चाहते हैं, इसके खिलाफ जनता खड़ी है, जनता पूरी ताकत के साथ कांग्रेस की जीत है। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।